मैं हूं धनश्री, आप देख रहे खबर समय जगत। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर भाजपा कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गई। आज जब अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह जिला पंचायत के कुछ नवनिर्वाचित सदस्यों को अपनी गाड़ी में लेकर जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे, तभी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी, विधायक हुकुम सिंह कलाड़ा, पीसी शर्मा और आरिफ मसूद आदि नेता उनकी गाड़ी के सामने आ गए। इसी बीच विधायक रामेश्वर शर्मा उन सदस्यों को लेकर अंदर चले गए। इनमें कांग्रेस नेता नौरंगी गुर्जर की पत्नी जिला पंचायत सदस्य रामकुंवर गुर्जर भी शामिल थी। गुर्जर के पाला बदलने से अब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अब और ज़्यादा रोचक हो गया है। घटना के बाद कांग्रेस ने गुर्जर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कांग्रेस नेताओं के आड़े आने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह और कांग्रेस नेता जिला पंचायत कार्यालय के बाहर ही रह गए, क्योंकि तब तक पुलिस ने गेट बंद कर दिया था। घटना को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। दिग्विजय सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। इधर बाहर खड़े कांग्रेसियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अपना जो वोटर है उसका पूरा नाम क्या है? अरे मेरे मुंह पे मार दिया भाई। जितेंद्र भाई थोड़ा तो हाथ आईडी मिक्स कर लो। हां जितेंद्र पाटीदार तो उनको एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। शासकीय गाड़ी में तिरंगे झंडे वाली गाड़ी में जिला पंचायत के मेंबर को पुलिस एस्कॉर्ट से लाया गया। मंत्री साथ में था, एमएलए साथ में था, जो सरासर सत्ता का दुरुपयोग है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट।